अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है बेटा मौज कर दी ट्रेंडिंग मीम है और इनके चैनल का नाम है मीमा बेटा नहीं और बेटे बेटा बेटे अबे बेटे मौज सारे कर दी। और मीमा और उनके चैनल का नाम है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है राणा मोहम्मद अली मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले, आला हाथ पर लगा लीजिए, ठीक तो वाली के बाद मिल जाएंगे। चलता ओके आला, चलो स्टार्ट करते हैं। मम्मा हाँ बेटा, प्रोटेक्शन ले जाना मत भूल। पेट में जा रही कंडम लग गई। ऐसे ऐसे बात करते हैं। ओके आपको मास्क कराया। तोबा तोबा तोबा, बहुत गंदे ज़हन हैं लोगों के। मैं तो कंधों में गाली दी थी। करें स्टार्ट। पागल है क्या, जबीशन जल्दीबाजी में ही रहता है। देख मेरा कितने सारे घर हैं यहाँ पे, लोग तो मेरा खुद का घर है यार। ये समस्या है। काम करते हैं, किसी ना सुनसान जगह चलते हैं, वहाँ आराम से हो जाएगा। हाँ यार, समझ रहे हो? नहीं, ये बढ़िया जगह है, न उधर कोई है न इधर कोई है। अब स्टार्ट करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता यार, ज्यादा नहीं सोचते हैं, थोड़ी देर में ना यहाँ भी लोग आ जाएंगे। ऐसा करते हैं, कुछ होना हो रही है। बिल्कुल गड्डी सुनानी सही आ रहा है, पता है कुछ हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। हो गई ये देरी। हे गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी अबू धाबी T10 लीग I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. Okay. रात में वॉशरूम जा रही थी ना। मैंने दरवाजा खोला। हाँ। मम्मा पापा लोग बेड पे, वो भी बिना कपड़ों के। हाँ। मम्मा पप्पी बन के, मम्मा पप्पी बनी हुई थी। Mother of God! आपका तो शो तो डेली है, पूरा साल आप शूट करते जा रहे हो। तो ये सब काम के लिए आपको वक्त कब मिलता है? You mean to make the two little babies? छोटा कब मिलता है टाइम? शो आता है 9:30 से 11, फिर उसके बाद जब ये CID चलाते हैं। Wow, very dangerous! Very dangerous. Once more, once more! आपका दरवाजा तोड़ने वाला कोई दया तो होगा नहीं? क्या क्या? मैं भी एक दया ढूंढ रही हूँ जो मेरा दरवाजा तोड़ेगा। Seriously? सब आपको बोल रहे हैं कि आप जॉनी सिंजो जैसे, वो अपने कैरेक्टर्स बदल बदल के आते हैं, नंबर भी काफी कैरेक्टर्स प्ले करे अपने शो में। हाँ, लेकिन उनसे कम ही करें। बिल्कुल, कोशिश है कभी किसी दिन उन जैसा। देखिए
बेमल बोलो जुबा केसरी। रुको जरा, सबर करो। आप गुटखा खा करके अंदर बैठे हुए थे, क्या हो क्या रहा था, क्या चल रहा था? कुछ नहीं भैया, एक्चुअली बात यह कि मैं उस समय गुटखा मैं खाया ही नहीं था। मैं मेरे मुंह में उस समय मीठी सुपारी पार्टी बदल लिया साला। मीठी सुपारी गुटखा मुंह मेरे भरे हुई थी उसकी पीक, उतने में मेरे पास एक कॉल आ गया, बस वो कॉल आना हुआ और जो कैमरा था मेरी तरफ हो गया। बस इतनी ही बात हुई और उसके बाद मैंने उसको थूका भी, उसे सब कैमरे में सामने था, वो बस मैंने जो अपने आप ही जो है अंदर अपने ले लिया। तीसरा दिन था, फिर मिलता बचाओ ना खत्म। आज मेरा ब्रेकअप हो गया और सब गलती उसी की थी, सब गलती रिया की थी। अच्छा, 3 महीने हो गए मैं रिलेशनशिप में आए हुए और उसे ये तक नहीं पता कि उसके पास कौन सी स्ट्रीम है और मेरे पास कौन सी स्ट्रीम है। मेरे पास फोन करती है आज, कहती है विशाल घर पे कोई नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ नोट्स लेने। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कहा यार तेरे पास साइंस स्ट्रीम है, मेरे पास मैथ स्ट्रीम है, मैं तेरे नोट्स लेने क्यों आऊं? मेरे पास साइंस स्ट्रीम है, मेरे पास मैथ स्ट्रीम है, चूतिया है क्या? फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला जी। सेठ जी दो बोल दू ना? अरे नहीं, 3 बोला। अच्छा आप भी पियेंगे? हेलो राहुल। हेलो, अभी कहाँ है तू? बोला यार रास्ता माही जाने चला तो बोला। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। इनकम बहुत बढ़िया आ रहा है भैया, बिजनेस हाँ जी मिस्टर वर्मा, मुझे बता रहे थे कि आप घर बैठे बैठे मेरे लिए दुआ मांग रही थी ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट कबूल हो गई, मेरी याददाश्त उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। घर पे बुलाया था गर्लफ्रेंड ने जी, क्यों? जी अली, वीडियो वाकई अच्छी थी और जितने भी मीम थे सारे ही अच्छे थे और मैं बोल चुका हूँ पिछले मीम जितने भी थे, और डंडोरा वाला एक मीम एंड पे उन्होंने डाला है, गाड़ी वाला वो डबल मीनिंग था, और एक शुरू में वो क्या कह रही थी आंटी, वो कह रही थी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन लेके जाना, वो तो स्क्लैंड भाई उसकी तशरीह करने लगे हैं, कंडम की कह रही है, कंडम की कह रही है, तो कह रहा था ना तो वो वाला सीन मतलब सारे ही अच्छे थे, और एक गाड़ी वाला वो सिखाने वाला था वो भी डबल मीनिंग था वैसे, और एक एंड पे भी आया उसका क्या नाम है यार कपिल शर्मा का भी, वो कह रही है कि कब मेरे कोई दया जो है मेरा भी दरवाजा तोड़ेगा, और बाकी दया जैसा ही कोई तोड़ सकता है वैसे तो मेरे ख्याल में नहीं टूटेगा ये दरवाजा। और उसके अलावा और भी जितने मीम थे सारे अच्छे, तो और एक वो कार्टूनों पे बना हुआ था और तन्मय पाठ की गांड दिखा रहे थे, तो वो कह रहा था कि यस मजा आएगा।
ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और मजा आया वीडियो देखो, और अब एक एक के बारे में बात करेंगे तो इसलिए ओवरऑल ठीक था, ओवरऑल बहुत मजे वाली वीडियो थी, मजा आया देख, एंजॉय किया जी, अच्छे क्लिप। और एंड पे वो बस वाला मेरे ख्याल में वो सीरियस होता है क्योंकि उसने पिया हुआ होता है तो वो सच बोल रहा है, क्योंकि ये वही बात है कि चोर जो बाहर चोरी करते हैं तो वो पुलिस वाले साथ सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन काफ़ी जो उनमें होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो वो मतलब मिले होते हैं इसी तरह, ड्राइवर भी मिले होते हैं, कंडक्टर, उनमें से कुछ कोई बेमान होते हैं वो मिल जाते हैं, और वो महीने के मतलब जितनी कलेक्शन हो उसमें से हिस्सा ले लेते होंगे, और इसी तरह उनका भी एक्स्ट्रा लग जाता होगा, मज़े हैं उनके। तो पैसेंजर जो हैं वो देख के ही परेशान हो गए हैं कि बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिले होते हैं, मिले होते हैं, और ये ऑनलाइन इस तरह की चीज़ आ जाए तो वो बात में कट भी नहीं करते और उन लोगों को एक मटेरियल मिल जाता है, और वो भी सच्ची बात है। और इनके मेरे हाल में एक दो क्लिप पहले भी हमने देखे हुए थे, वो गाँव में जाते हैं पता नहीं, वो लड़के का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उससे भी कुछ पूछता है पता नहीं आप क्या हैं, तो दिवाली नहीं मनाते, वो तो कहता है नहीं लड़कियाँ पटाते हैं, मीम वहाँ पे एक वो मीम बना हुआ था, एक ये उन्होंने क्लिप निकाला। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप मुझे लगा वो जहाँ पे वो लड़का लड़की चैट कर रहे होते हैं, वो सेक्सुअल चैट हो रही होती है, उसके दौरान उसने हथकड़ियाँ लगा ली खुद को, वो तो तैयारी में था, उसके ऊपर माँ आ गई और उसने कहा कि ये तो किडनैप हो गया पुलिस को बुलाओ, तो पुलिस में वो लड़की वो पुलिस का रोल कर रही थी, तो उनका अलग ही ड्रामा चल रहा था, समझ रहे हैं ना आप, तो वो अच्छा ऐड था और वो क्लिप जो था बाकी देखने लायक था, बाकी भी क्लिप अच्छे थे और उन्होंने अच्छी एडिटिंग की है, मज़ा आया देख के, वीडियो को एंजॉय किया, आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस। हो बाकी तो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे कमेंटां च गाल नहीं कढ़नी पर गाल नहीं कढ़नी पैंदी अगर तप मारती है ना।